तस्वीर आपने देखी कुरुक्षेत्रा के कैनेडियन एजुकेशन सेंटर की थी, जहां पर आप देख सकते हैं कि कुरुक्षेत्रा से लाडवा से विधायक पवन सैनी जी यहां पहुंचे हैं। और हम आपको बता दें कि वन डे सेमिनार कम एजुकेशनल फेयर का आयोजन जो है कैनेडियन एजुकेशन सेंटर की तरफ से किया गया है। हम आपको बता दें कि करनाल और कुरुक्षेत्रा में यह सेंटर स्थित है और समय समय पर स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छे सेमिनार का आयोजन, फ्री सेमिनार का आयोजन किया जाता रहा है, क्योंकि आजकल बड़ी संख्या में जो यूथ है वो बाहर जाने का इच्छुक होता है, चाहे वह जॉब के रिलेटेड हो, कंपनी से रिलेटेड हो। इस समय पवन सैनी सर हमारे साथ मौजूद हैं, जो लाडवा से विधायक है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? कैनेडियन एजुकेशन सेंटर की तरफ से अच्छी शुरुआत की जाती रही है, सेमिनार्स का आयोजन किया जाता रहा है ताकि स्टूडेंट्स का जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं बढ़ता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कल मैं सुजीत जी को, तरुण जी को मैं बधाई देता हूँ, सारी टीम को, जिन्होंने कैनेडियन एजुकेशन के लिए यहाँ पर इंस्टीट्यूट खोला है। इस इंस्टीट्यूट में खास ये बात है, बच्चा गुमराह ना हो, उसको रास्ते में धक्के ना खाने पड़े, और पूरा उसकी काउंसलिंग करके, पूरा अवेयर करके बच्चे को वहाँ पर भेजेंगे, उसका जो है ना स्टडी वीज़ा लगेगा। एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। But now I live in India, where I have a communications company. I'm here because I believe that it's very good for Indian students to travel abroad and to study for all sorts of reasons, which I'll be talking about later, for self-development, for experiencing other cultures, for experiencing different systems of education. Because I think then that will be good for their career. And if they come back to India, it's also good for India. देखिए कुरुक्षेत्रा में स्थित कैनेडियन एजुकेशन सेंटर की थी, जहां पर हम आपको बता दें कि समय समय पर स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छे सेमिनार का आयोजन यहां पर किया जाता रहा है। और आज आपने देखा कि लाडवा से जो विधायक है पवन सैनी वो यहां पर पहुंचे, कुरुक्षेत्रा से विधायक सुभाष सुधा यहां पर पहुंचे, और भी कई जानी मानी हस्तियां यहां पर पहुंची। और खास बात स्टूडेंट्स की रही, बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं कुरुक्षेत्रा और आसपास के जो विधानसभा है, गांव है, वहां से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स पहुंचे। आज दिन भर यह सेमिनार का आयोजन आज किया गया था। और इस समय जो कैनेडियन एजुकेशन सेंटर के जो संचालक हैं सुजीत पीटर सर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं कि समय समय पर आप स्टूडेंट्स के लिए इस तरह के सेमिनार्स आयोजित किए जाते रहे हैं। आज क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो सेमिनार आयोजित हुआ उस पर क्या कुछ बताना चाहेंगे? पहले तो ये कहना चाहूँगा, कुरुक्षेत्र में ये हमारा बड़ा सेमिनार है बड़े पैमाने पर। इसके पीछे हमारा मकसद ये था कि आपको पता है करनाल में हम युवकों को अच्छी सेवा दे रहे हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र में भी हम चाहते हैं उन्हें भी अच्छी सेवा, अच्छा मौका, अच्छी जानकारी मिले। तो हमने इस प्रोग्राम का आयोजन करा। हमें बड़ी खुशी हुई कि बड़े बड़े सज्जन, बड़े बड़े महापुरुष हमारे बीच में पधारे, जैसे कि डॉक्टर पवन सैनी, मिस्टर सुधा, और भी हस्ती हैं। हर एक का नाम मैं इस वक्त यहाँ नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ आकर हमारा मनोबल बढ़ाया। और साथ ही साथ युवकों के लिए मेरा ये संदेश है कि ये एक ऐसा मौका है जो उन्हें एक अलग विकल्प देता है आगे बढ़ने के लिए। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमें केवल नौकरी की तलाश करनी है, हमें केवल एक व्यवसाय करना है, हम भूल जाते हैं कि ये भी एक विकल्प, ये एक रास्ता हो सकता है आगे बढ़ने का, कुछ बनने का, कुछ करने का। तो यही हमारा विषय है सर, जिसलिए हमने ये सेमिनार का आयोजन कराया कुरुक्षेत्र के युवकों के लिए भी। तो ये आपने सुना है कि सुजीत सर ने किस तरह से बताया कि एक बहुत ही अच्छा सेमिनार आयोजित किया गया था, जिसमें आसपास के बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने जो है इस सेमिनार में हिस्सा लिया था। कमल मिडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, कुरुक्षेत्र।